Hello kids, I hope you are awesome and doing great. Last session में हमने पढ़ा all about me और अब हम पढ़ेंगे my body. This is our first EVS lesson and its name is my body. Our body has many parts. हमारी body में बच्चों बहुत सारे parts होते हैं. जैसा कि आप जानते हो head, hair, forehead, mouth, ear, chin, nose, lips, shoulder, head, etc. Each body part has a special role to play. और हमारी body के हर part का एक special job होता है या special work होता है जो वो करते हैं. जैसे कि eyes का काम है देखना, head का काम है चीजों को pick करना, write करना और throw करना, बहुत सारे hold करना, ऐसे हमारे head की work है. तो we आप सब जानते हो we have two eyes, two ears, two hands, two legs and one mouth, one nose, one tongue, 10 fingers, 10 toes, 2 knees. सबको ही पता है बच्चों, आप लोग previous class में ही पढ़ चुके हैं कि हमारी दो आंखें होती हैं, दो ear होते हैं, दो hands हैं, दो legs हैं, one mouth है, one nose है, one tongue है और हमारे पास 10 fingers है. 10 fingers है ना हमारे दोनों हाथों में और 10 toes हैं, 2 knees हैं. All part of our body help us to do many things. और हमारी body के जो parts होते हैं वो बाकी parts की help करते हैं बहुत सारे काम करने के लिए. जैसे we use our arm, hand and finger for हम अपने हाथ, बाजू और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं lifting, holding, writing, eating और making. हम अपने हाथों से, बाजू से और अपने finger से तो use करते हैं, lifting करते हैं, hold करते हैं चीजों को, write करते हैं. आप pencil hold करते हो ना, इसकी help से, finger की help से hold करके आप कुछ लिखते हो. eating चम्मच को पकड़ने के लिए, स्पून को पकड़ने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, अपने फिंगर्स की. वी यूज़ आर लेग्स एंड फीट्स फॉर हम अपने पैरों का और अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, किकिंग, साइकिलिंग एंड जंपिंग. और हम स्टैंडिंग अपने पैर और पंजों के इस्तेमाल से चलते हैं, दौड़ते हैं, बॉल को किक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और जंपिंग करते हैं. इनके बिना हम ये काम नहीं कर सकते. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माय सेंसेस. आप सबको पता है हमारे 5 सेंसेस होते हैं. वी हैव 5 सेंसेस और ये कौन कौन से हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन. ये जो 5 सेंसेस हैं ये हमारे आसपास की चीज़ों को जानने में हेल्प करते हैं. आईज फॉर साइट, ईयर टू हीयर, नोज टू स्मेल, स्किन टू टच एंड टंग टू टेस्ट. ये सारे सेंसेस हमारे इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं. दीज 5 सेंसेस आर रिलेटेड टू 5 सेंस ऑर्गेन्स. और जो ये 5 सेंसेस हैं ये हमारे 5 सेंस ऑर्गेन से रिलेट करती हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं. इनके इन 5 सेंसेस और सेंस ऑर्गेन्स के थ्रू ही हम ये 5 सेंसेस का पता कर पाते हैं. दीज सेंस ऑर्गेन्स हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस. ये जो सेंस ऑर्गेन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे आसपास की दुनिया को, हमारे आसपास के वातावरण और या जो हो रहा है हमारे आसपास उसको जानने के लिए. जैसे कि आँखों से आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनके कलर, उनके शेप, उनके साइज़ को देख सकते हैं. वी हैव टू आईज, हमारी दो आँखें होती हैं. वी सी विद आर आईज और हम अपनी आँखों से देखते हैं. वी हैव टू ईयर्स, हमारे पास दो कान हैं. वी हेयर विथ आर ईयर्स और हम उनकी हेल्प से साउंड सुनते हैं. हम उनसे लाउड और सॉफ्ट दोनों तरीके के साउंड सुन पाते हैं. वी हैव वन नोज, हमारे पास एक नोज़ है.
वी स्मेल विथ आर नोज, और हम उनकी हेल्प से स्मेल करते हैं। आप अपनी नोज से बताते हो ना, आज मम्मा बहुत अच्छी स्मेल आ रही है किचन से, या जब कभी हम कोई परफ्यूम डालते हैं तो हमारी नोज हमें बताती है इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है। पर यही नोज हम जब कभी अपने कूड़े किसी कूड़ेदान के पास से गुजरते हैं या घर के किसी कूड़ेदान के पास जाते हैं जहाँ से बहुत स्मेल आ रही होती है, या हम गार्बेज के पास से जब गुजरते हैं, तो यही हमारी जो नोज़ है वो हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ से बहुत बैड ऑडर आ रहा है, आप बताती है ना। तो नोज़ हमारी स्मेल में हेल्प करती है। वी हैव वन टंग, हमारी एक जीभ होती है। वी टेस्ट विद आर टंग, और उसकी हेल्प से हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं। हमारी टंग ही है बच्चों जिस जो हमारी टेस्ट को डिफरेंट टेस्ट को बताती है, डिफरेंट टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कौन सी चीज़ साल्टी है, कौन सी चीज़ सार है, कौन सी चीज़ स्वीट है और कौन सी स्पाइसेस है, ये सब किसके थ्रू हमें पता चलता है, ये सब हमारी टंग के थ्रू ही हमें पता चलता है, क्योंकि हमारी टंग पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि ये जो हम जो आइटम या जो भी फूड हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। आर बॉडी इज़ कवर्ड विथ स्किन, हमारी जो बॉडी है वो पूरी स्किन से कवर है। वी फील विथ आर स्किन, और हम अपनी स्किन के हेल्प से फील कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जब भी आप कभी फ्रिज खोलते हो तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है? यस, आपको ऐसा महसूस ज़रूर होता होगा। वो किसके थ्रू पता चलता है आपको? आपकी स्किन के थ्रू। आपकी स्किन पे जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं या स्किन में ऐसे फीलिंग पार्ट्स हैं, मतलब स्किन में हमारे जो हैं हमारी स्किन वो फील करने में हमारी हेल्प करती है। जब भी हम किसी कूल या हॉट के चीज़ों के पास जाते हैं और या फिर उन्हें टच करते हैं तो हमारी स्किन हमें इंडिकेट करती है कि वो कूल है या हॉट है। तो हमारी स्किन हमारी फील करने में हेल्प करती है। तो ये हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स जो कि हमारी हमारे आसपास को जानने में हेल्प करती है। आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो मैं आपको इसका होमवर्क PDF के थ्रू भेज दूंगी और आपको वो काम अपनी कॉपी में करना है। जैसे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स, वी डैश विथ आर आईज, हम किसके थ्रू देखते हैं, हम अपनी आँखों से क्या करते हैं, सॉरी हम अपनी आँखों से देखने का काम करते हैं। वी सी विथ आर आईज, वी डैश विथ आर नोज, हम अपनी नोज से करते हैं क्या, नोज की हेल्प से हम स्मेल करते हैं। वी डैश विथ आर टंग, हम अपनी टंग से करते हैं, हम अपनी टंग के साथ टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने का काम करते हैं। वी डैश विथ आर ईयर, हम अपने ईयर से करते हैं क्या, हम अपने ईयर से हियर करते हैं, मतलब चीज़ों साउंड्स को सुनते हैं, चीज़ों के साउंड को सुनने का काम हम अपने ईयर से करते हैं। वी डैश विथ आर स्किन, हम अपने स्किन से क्या करते हैं, हम अपनी स्किन से चीज़ों को फील करते हैं। तो आज मैं आपको ये जो ट्रू फॉल्स हैं ये एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आपको ये अपनी कॉपी में करने हैं। आपने ये लेसन अच्छे से एक बार पढ़ना है और ये ट्रू फॉल्स अटैम्प्ट करने हैं। बाय बाय, विल मीट अगेन।